जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, मयूर अलबेला हूँ मैं क्या, ओ मयूर अलबेला हूँ मैं सबकी खबर रखता हूँ। बीजेपी पार्टी के नेता हमेशा जीते हैं जिन्होंने खुलकर भ्रष्टाचार किया है। वोट इन दिया मैंने तो यार, मैं तो क्या बता सकता हूँ, मैंने कभी किसी को वोट इन दिया है। तो मतलब ये बाहर से जो फिरंगी आ रहे हैं, इन फिरंगियों की गलतफहमी वो निकाल देवे। उदयपुर में नेता अच्छी लीडरशिप है, अच्छे अच्छे नेता दिए हैं और भविष्य में भी हम उदयपुर का स्थानीय MLA ही देंगे, ये उनके आंखें खोलने के लिए हमने दावेदारी की है। ये भ्रम है कि जो प्रभारी बने हैं उनको टिकट नहीं, पार्टी हर प्रभारी बने उनकी भी योग्यता को देखते हुए जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से विड्रॉ करके टिकट देके उसको सत्र में उतार देगी। लेक सिटी है, लेक सिटी की इन्होंने थेला सिटी बना दी। कौन होना चाहिए, नाम बताएं। हमारी तरफ से तो हम राजीव जी सोवालका को जी। आप जितने भी विधायक बने बीजेपी कांग्रेस जो भी, उन्होंने उदयपुर में कोई काम नहीं किया अभी तक। अरे पर मुझे एक बात बताओ, जब आप खुद भाषा की मर्यादा नहीं रख रहे हैं तो कांग्रेस चाहता ना पार्टी को यार 20 साल से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये काम UAT देख रही है भैया, निगमी देख रही है, और मोरत तुमने करवाया, आपके वार्ड में हुआ है सीवरेज का, मंत्री जी को बुला के गुलाब जी भाई साहब को महामहिम राज्यपाल बनाने के बाद पार्टी के बाथरूम के उद्घाटन। मेरे वार्ड की बात कर रहा हूँ, मेरे वार्ड की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ वरिष्ठ नेता दोग लगते हैं, वो ऐसा है आप छोटे मोटे कार्यकर्ता कहने से कितनी। इधर भी तो वसुंधरा जी मैम गहलोत जी के बोलती है भाई, हम तो आपके दोग तो आतंकवादियों के भी फोटो आए थे लगते हुए, दोग तो आतंकवादियों के भी फोटो आए थे कन्हैया के हथियारों के दोग लगते हुए। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और बड़े अफसोस की बात है कि उदयपुर शहर विधायक विहीन है, पर उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि लंबे समय तक मेवाड़ की राजनीति के, भाजपा राजनीति के पुरोधा रहे गुलाब चंद जी कटारिया साहब अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं। उन्होंने इस शहर को और इस शहर ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया है, पर 15वीं विधानसभा के चुनाव एकदम नज़दीक हैं, इस साल के अंत में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में तमाम नेताओं का जमघट लग चुका है, तमाम नेताओं के नाम पर चर्चाएं होने लगी है। इसी कड़ी में आज उदयपुर न्यूज़ चैनल का पूरी टीम यहां आ पहुंची है बोरा गणेश जी चौराहे पर, जहां जनता दरबार नाम का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आसपास के वार्डों की जनता और जनप्रतिनिधियों से जानेंगे कि उनका विधायक कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए उनका विधायक। तो आइए लेकर चलते हैं आपको बोरा गणेश जी चौराहे पर। तो जनता दरबार सज चुका है और हम बोरा गणेश जी मंदिर चौराहे मौजूद हैं, बोरा गणेश जी मंदिर चौराहे पर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मनोहर जी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो वार्ड 46 के पार्षद भी हैं और समिति अध्यक्ष भी, गैरा समिति अध्यक्ष भी हैं। आपने भी अपने नाम को आगे बढ़ाया है और काफ़ी आपके समर्थक भी हैं और चाहते हैं कि OBC फ्रंट खुले, क्योंकि BJP ने अब तक OBC चेहरे पर दाव नहीं खेला है। सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जनता दरबार लगा के हर क्षेत्र में जाके लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश की है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और रही बात उदयपुर विधानसभा चुनाव की, उसमें मेरा हमेशा से एक चीज़ रही है कि हम लोग जो कामगार समाज है OBC में, जो छोटे छोटे समाज है, जो कामगार समाज है, चाहे सोनी है तो रकम बनाने का काम करती है, तेली समाज है तो मिठाई और नमकीनों का काम करता है, ऐसे ही माली समाज है फूल मालाओं का काम करता है, तो ऐसे जो छोटे छोटे समाज हैं, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग के साथ में काम करते हैं, उनको नेतृत्व मिले तो ये हमारा हमेशा रहा। और निश्चित रूप से और बहुत बड़ा वर्ग
इस छोटे छोटे समाज को लेकर करीब उदयपुर में 1 लाख से ऊपर के लोग वोटर हैं जो इस ओबीसी में आते हैं, और उनको निश्चित रूप से जो एक छोटे लोगों का अगर छोटे कुटीर उद्योग लोगों की अगर मौका दिया जाएगा। पर पार्टी ने भी तो बाउंसर फेंक कर आपको गोगुंदा का प्रभारी बना दिया, ऐसे में कहीं अड़चन तो नहीं विधानसभा चुनाव में? देखो, मैं शुरू से ही संगठन का काम करता आया हूँ, मुझे पहली बार विधानसभा का प्रभारी नहीं बनाया है। मैं पहले राजसमंद में भी रहा हूँ, वल्लभ नगर में रहा हूँ, मैं सिरोही जाके काम करके आया हूँ, आबू रोड नगर पालिका, राजसमंद नगर पालिका। पार्टी ने हमेशा जब मेरे को जहाँ भेजा है संगठन के कार्य के लिए, हमने वहाँ किया है। अब ये तो पार्टी को सोचना है कि संगठन में वो किसको टिकट दे और किसको नहीं दे। चैनल के माध्यम से स्पष्ट करें कि क्या ऐसा कोई दिशा निर्देश है कि जिसको प्रभारी बनाए वे चुनाव नहीं लड़ सकता? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, भ्रम है जो भी प्रकाशित हुआ है या प्रसारित हुआ है। ये भ्रम है कि जो प्रभारी बने हैं उनको टिकट नहीं, पार्टी हर प्रभारी बने उनकी भी योग्यता को देखते हुए जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से विड्रॉ करके टिकट देके उसको क्षेत्र में उतार देगी। पर ऐसा नहीं है जो प्रभारी बने हैं उनको विधायक के टिकट से बाहर हो गए, ऐसा कहीं पे ही पार्टी ने नहीं कहा। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं अजय जी पोरवाल साहब, भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने भी दावेदारी करी। और अजय जी पोरवाल साहब के लिए कहा जाता है कि भ्रष्टाचार, निगम में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर करना अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्य आपने करा है, जो कि एसओजीओ में अभी उसकी जांच चल रही है और जल्दी उसका फैसला भी आ जाएगा। दावेदारी का ख्याल कैसे है, जैन होने के नाते दावेदारी करी? सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ ने उदयपुर में जो भी अपन शुभ काम करते हैं बोरा गणेश जी मंदिर के यहाँ से करते हैं, तो मैं सभी जने जो खड़े हैं वो बोरा गणेश जी की जयकारा लगावे, बोरा गणेश जी भगवान की जय, गणपति बाबा की जय। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि आपने जो 5-5 वार्ड का जनता दरबार लगाया है, इस क्षेत्र के अंदर हमारे पार्टी के पार्षद जीत नहीं पाए, पर बीजेपी पार्टी के नेता हमेशा जीते हैं, जिन्होंने खुलकर भ्रष्टाचार किया है। चाहे आपने अभी मनोज जी को पूछा है, मैं आपको बता दूं, हमने सबसे पहले बोरा गणेश जी मंदिर से बात शुरू की है। मैं आपको बता दूं, उदयपुर में हर बुधवार को करीब 50,000 लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या रोड नेटवर्क की है, पार्किंग की है, और जो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राज में संत तेरेसा स्कूल के अंदर यूआईटी ने अपनी ज़मीन को कन्वर्ट कराया था, इसमें 40-60 का रेशो रहा था, जो 40% ज़मीन जनता के उपयोग के लिए देनी थी इन्होंने कभी लेने की कोशिश नहीं की। और जो आपको बता दूं, ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे 5-10 हज़ार बच्चों का रोज़ मूवमेंट रहता है। हमारी प्राथमिकता रहेगी, हमारा एमएलए आया तो, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि उदयपुर का डेवलपमेंट कैसे करें, मेरी प्राथमिकता रहेगी 5,000 बच्चों का फूड कोर्ट वहाँ खोले। यहाँ पे जिस ढंग से बच्चे खाने के लिए घूमते हैं, वहाँ सरकार अपना एक फूड कोर्ट खोले, कैफेटेरिया खोले। वहाँ एक ही क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल आयर के अंदर है, उस हॉस्पिटल को यूनिवर्सिटी कैंपस में लेके आए और सैटेलाइट हॉस्पिटल की व्यवस्था करें। तीसरा आपको बता दूँ, गणेश जैन छात्रावास है, इसके पीछे यूनिवर्सिटी ने मंडल तलाई करके थे, उसको एक्विजिशन कर लिया, पर उसका कब्जा कभी नहीं लिया, ना उसकी रोड बनाई है, ना यहाँ के पार्षद ने सुना। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी समिति अध्यक्ष रहे हैं, शहरी विधायक होना चाहिए कि बाहरी, आप तो ये बताएं। नहीं, मेरा ये कहना है शहरी और विधायक का मामला नहीं है, यहाँ पे आपने जनता दरबार सुना है, जिन 5 वार्डों की समस्या की बात की, जिस क्षेत्र की बात की है, मैं सबसे पहले आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ। मास्टर प्लान में जिस ढंग से बोरा गणेश जी की रोडें हैं, उन रोडों को बिल्कुल ठीक करना चाहिए। उदयपुर का पहला चौराहा जिसका चौराहे के बीच में बाथरूम और लेटरिन बना हुआ है, और यहीं से हम देवी देवता भगवान गणेश जी की कोई किसी ने सोचा नहीं आज तक। सुविधाएं होनी चाहिए, सुविधा चौराहे के बीच में होनी चाहिए, पहली बार देखा है। इस बीजेपी सरकार ने और बीजेपी के जो एमएलए और नगर निगम ने जिस ढंग से भ्रष्टाचार किया है, आपको मालूम है, आपके माध्यम से 272 प्लॉट का एक खोला, इसी क्षेत्र के में प्रताप नगर थाना आता है, इसमें 65 प्लॉट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर रखा, जो यूआईटी और उदयपुर जनता का माल है, उसके खिलाफ हमने यूआईटी में एसओजी में मुकदमा दर्ज कर रखा है, उसकी जांच चल रही है, और अगर किसी को जांच के लिए ये पता लगाना हो तो उदयपुर के एसओजी के जो एडिशनल एसपी वो जांच कर रहे हैं जी। अब कमल जी हमारे साथ मौजूद हैं, कमल जी चौधरी साहब, आपने तो कांग्रेस का जो पर्याय रहा चेटक चौराया, जहां पर लंबे समय तक कांग्रेस का कार्यालय रहा, पर जैसे जैसे परिवारवाद कांग्रेस पर हावी होता गया, कार्यालय भी घरों में खुलते गए,
आपने अब तक वहाँ पर एक दूसरा कार्यालय खोल रखा है चेतक कांग्रेस के नाम से। मैं पहले तो आपके चेतक का धन्यवाद हूँ, मैंने कोई दूसरा कार्यालय नहीं खोल रखा है। जो मेरे कांग्रेस प्रेमी है और जो मेरे घनिष्ठ है, भले वो MLA हो MP हो कांग्रेस के, क्योंकि आजकल सभी नेताओं के पास लग्जरी गाड़ियाँ हो गई है, शहर में पार्किंग की कमी, मेरी शॉप के सामने बहुत बड़ी पार्किंग है, हर नेता मेरे वहाँ आता है, अपनी चर्चा करता है, पार्टी की चर्चा करता है, सब कोई गुटबाजी से नहीं है। वो पहुंच नहीं पा रही ना आगे तक, क्योंकि 20 सालों का तो अभेद किला रहा बीजेपी का, ये इस बार क्या भेद पाएंगे क्या? बिल्कुल भेदेंगे और तो अच्छी तरह से भेदेंगे। तो एक माहौल बना देते हैं भ्रष्टाचार का, कोई आता है उसका लारी लगवा दी, उदयपुर से लेक सिटी है, लेक सिटी की इन्होंने थैला सिटी बना दी, केबिन सिटी बना दी, जहाँ जाओ जहाँ अव्यवस्था है। कमल जी की नज़र में विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक दबंग होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। एक नाम तो सुझा है, एक नाम सुझा, अजय बोरवाल है हमारे विधायक जी। तरुण जी हमारे साथ मौजूद है, तरुण जी काफी युवा और चर्चित नाम है आप, और अभी हाल ही में चर्चा में आप रहे हैं, आपका नेता कौन है? हमारे नेता एक है दिनेश जी श्रीमाली जी। दिनेश जी श्रीमाली उच्च शिक्षित नेता है और एक पढ़े लिखे हैं। 2013 में उन्होंने मोदी पार्टी ने मौका दिया दिनेश जी को, पर कामयाब नहीं हो पाए वो। 2013 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, जब हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े नेता थे वो लाखों से आ रहे जी, तो उन लाखों की गिनती के अंदर भी ये बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे। उदयपुर शहर के अंदर जो उन्होंने टक्कर दी, शहर जो गृह मंत्री थे गुलाब जी कटारिया, उनको जो टक्कर दी, उनकी टक्कर सिर्फ और सिर्फ दिनेश जी श्रीमाली से हो सकती है, उसके उनके बराबर मुकाबला। एक मौका दिया जाए तो विधायक बनेंगे वो? एक मौका मिल चुका है, दूसरा मौका मिला तो जरूर विधायक बनेंगे। एक और मौका मिलेगा तो विधायक बनेंगे ना? बिल्कुल, पार्षद भी बने, विधायक का चुनाव भी लड़े, फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ, हाँ बाबू जी बताएं कैसा होना चाहिए विधायक शहर का? आनंदीलाल चित्तौड़ा, ये जो कुछ बता रहे हैं उस संबंध में मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका बता रहे हैं अजय जी के हॉस्पिटल एक है, जबकि इनको पता नहीं 6 महीने पहले यूनिवर्सिटी के अंदर विवेकानंद सभागार के पास जाना जनता हॉस्पिटल के नाम से खोल दिया गया है। दूसरी बात कि हमारे वार्ड नंबर 45 में मैं हूँ, हमारे वार्ड नंबर 45 में जनता सेना का जो पार्षद है, उस वजह से हमारे मोहल्ला में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य अभी तक नहीं हुआ, और जो भी हुआ है वो उधर ही उधर हुआ, हमारे इधर किसी प्रकार का विकास कार्य, मतलब अभी तक विकास से अछूती है सेक्टर 47 मतलब वार्ड 45 की जनता। 45 में जी, आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक जो पब्लिक से हमेशा जुड़ा रहे हैं जी, और बराबर कॉन्टेक्ट में रह रहे हैं। कौन है ऐसा नाम जो पब्लिक से जुड़ा रह सकता है आपकी नज़र में बताएं? अभी तक तो मेरे ध्यान में ऐसा कोई अभी मेरा नज़र नहीं आ रहा है। अब विधायक एक्सपोर्ट करना पड़ेगा क्या अपने को? नहीं, एक्सपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा जी, और अभी नाम आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं जी, तो उस पर फिर चर्चा करेंगे बैठ के जी, और जो सही जुड़ा रहेगा विकास करेगा वही विधायक होना चाहिए ऐसा जी। और जो 45 जो समस्या है मेन चौराहे की, जैसे अभी अजय जी परवाल साहब ने कहा था कि ये विश्वविख्यात मंदिर है भोला गणेश जी, इस मंदिर के बीचों बीच चौराहे के बीच में ये बाथरूम बना हुआ, इसको अविलंब हटाने के लिए पहले भी हम मांग कर चुके हैं पर नहीं हटा है, इसको विकसित किया जा रहा है और यहाँ मूर्ति लगाई जा रहा है भोला गणेश जी की, जैसा कि नाम से है भोला गणेश चौराया। लोग बाहर से दर्शन करके चले जाएंगे, बाहर मूर्ति लगा देंगे तो? बाहर से नहीं करेंगे, चौराया नाम है वो, उसके अनुरूप काम होना चाहिए। अब रहा सीवरेज, सीवरेज जगह जगह एक बार की समस्या नहीं है, पूरा उदयपुर शहर की समस्या है। सीवरेज में जो चैम्बर बने हुए हैं वो चैम्बर 6 इंच ऊपर 6-8 इंच नीचे घुस रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, 2-व्हीलर के हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, उसको को सुनने वाला नहीं, चलिए क्यों सुनो ना आप जी। तीसरा अवैध, पूरा अवैध पार्किंग हो रही पूरे पूरे चौराहे पे, वो पार्किंग हटाने के लिए हमने प्रशासन को पूर्व में लेटर लिखे, कोई सुनने वाला नहीं है जी, ना निगम सुन रही है, ना कलेक्टर साहब सुन रहे हैं और ना थाने में सुन रहे हैं, तो ये भी अवैध पार्किंग हटाने के लिए कोई मुहिम छेड़े प्रशासन, ताकि ये अवैध पार्किंग नहीं हो, और सीमांकन निगम को ये निर्देश देवे कि पीली पट्टी लगावे उसके अंदर ही पार्किंग व्यवस्था हो है जी। ठीक है, रवि जी तिरवड़ी हमारे साथ हैं, पार्षद रवि तिरवड़ी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? देखिए, शहर का विधायक तो अपने होना उदयपुर शहर से चाहिए, क्योंकि लोकल से क्या है कि हम डायरेक्ट टच में हो सकते हैं, मतलब उनको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बाहरी प्रत्याशी को ही लेके अगर अपन उदयपुर में आ जाते हैं, अब वो क्या उनका वो है कि वो उदयपुर में ज़्यादा टाइम रहेंगे, वो जयपुर ज़्यादा रहेंगे, वो उनका जो घर है वहाँ ज़्यादा रहेंगे, तो मेरे हिसाब से तो उदयपुर का शहर का
लगता है कि उदयपुर का ही होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। कौन होना चाहिए, नाम बताएं। हमारी तरफ से तो हम राजीव जी सवालका को जी राजीव जी सवालका की बात कर रहे हैं आप। हमारे साथ बोरा गणेश जी मंडल अध्यक्ष, कांग्रेस ने जो नए मंडल बनाया उसके बोरा गणेश जी मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण जी हमारे साथ मौजूद है। अनियमित है। सत्यनारायण जी बताएं कि शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? और विधायक हमें चाहिए मोहनलाल सुखाड़िया साहब जैसा चाहिए जो उदयपुर को अच्छे से तरह बसाया। आप जितने भी विधायक बने बीजेपी कांग्रेस जो भी, उन्होंने उदयपुर में कोई काम नहीं किया अभी तक। हमें तो ऐसा विधायक चाहिए जो हर आदमी की, मतलब अभी तक कोई काम नहीं हुआ आपकी नजर में? यहाँ कोई काम नहीं हुआ मेरे क्षेत्र में, तो अभी तक बीजेपी से न कांग्रेस से कोई काम नहीं हुआ। ऐसा विधायक चाहिए जो घर जाए, हर आदमी लोकल आदमी की बात माने और उसके पास जाए, उसकी परेशानी करे। हमें तो सबसे बेटर रहेगा ऊपर से नीचे लोकल आदमी से बात कर सकते हैं, अपन जाके बात कर सकते हैं। ऐसा विधायक चाहिए जी। आप बताएं सर, आप काफी एग्रेसिव कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, आप बताएं कि कांग्रेस की तरफ से विधायक उम्मीदवार कौन होना चाहिए? वही आपने कहा जो सुखाड़ा साहब जैसे थे, उनके जो पद चिन्हों पर चलने वाले हैं आज कोई नहीं नजर आता है। सुखाड़ा साहब आधी रात को बोलने से भी आधी रात को चल निकलते थे, वैसा मैंने भी कितने इलेक्शन करा दिया। चलते थे आधी रात को, कहाँ जाते थे? जिसकी भी समस्या हो उसको एक रात में जाके उसकी समस्या को सोल्व करते थे, नहीं तो सुबह तो करना ही था जी। मगर ऐसा आदमी हमको चाहिए जो हमको आगे रह के हमारा समाधान कर सके। अभी हमने कितने इलेक्शन कराए, सब नेता आते हैं, आज दिन तक मेरा नाम नहीं जानते होंगे मैंने कितने इलेक्शन करवा दिए। मैं चैलेंज करता हूँ, अच्छे अच्छे को बुला लो, अगर मेरा नाम जाना यहाँ पे मैंने कितने इलेक्शन करा होंगे। आपका नाम नहीं जानते तो आपकी कमी है ना? कमी मेरी नहीं है, मेरे काम की पहचान है इसीलिए दौड़ते हैं। मैं काम करता हूँ दौड़ता हूँ इसीलिए यहाँ आते हैं, बाकी कोई पहचानता नहीं है यहाँ। यहाँ पे काम हुआ इलेक्शन में आएंगे सब वापस भग जाएंगे, कोई आज दिन तक नहीं पूछेगा पार्षद के मैंने कितने इलेक्शन करा है। सत्यनारायण जी आपको पूछते हैं कि नहीं पूछते? ये तो यहाँ रहते हैं इसीलिए पूछते मिलते रहते हैं जी। क्या बाकी मैं कह रहा हूँ आपको सच्ची बात बोल रहा हूँ, कड़वी लगेगी क्या इसीलिए क्या यहाँ पे कितना काम हुए ही नहीं अभी तक। सीवरेज का आधा काम मेरा खुद का भी लटका हुआ है, अभी सब क्या हो गए, मेरे दो मकान छोड़ दिए सीवरेज। चलिए ठीक है, आप बताएं भैया, आप बताएं कि शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? अजय पोरवाल जी। अजय पोरवाल जी आप पहले फाइनल करके आए हो क्या? फाइनल का क्या मैं है? फाइनल का किया तो आप, तो मैंने आपसे पूछा विधायक कैसा होना चाहिए, आप कह रहे हो अजय जी पोरवाल। अजय पोरवाल जी जैसा ही होना चाहिए। अच्छा अजय पोरवाल, क्या करा अजय जी ने अब तक अपने राजनीतिक कार्यकाल में? बताओ। बहुत काम किया। क्या करा? बहुत काम किया। एक आधा काम तो गिना दो। वो हर समय हमारे साथ में खड़े रहते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, सबको लेके चलते हैं साथ। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं अनेक रूप में आ रही है और ओम प्रकाश जी भाई साहब हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले आप बताएं कि कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक अच्छा होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, जो सब लोगों के साथ में सुख दुख में दौड़े, जिसको अनुभव हो, और ऐसे अनुभव करता हमारे पार्टी में है। राजीव जी सवाल का है, वो ऐसे व्यक्ति है जो यूथ कांग्रेस से लेकर के NSU से लेकर के और लंबा उनका कार्यकाल रहा है और अच्छा सेवाभावी व्यक्तित्व है उनका। और स्थानीय स्तर पर उन्हीं को अगर टिकट दिया जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो आज कार्यकर्ता अपने आप को हताश सा महसूस कर रहे हैं वो नहीं करेंगे और निश्चित रूप से उदयपुर का विकास होगा उनके आने से। यशवंत जी राजोरा, एडवोकेट यशवंत जी राजोरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काफी चर्चित परिवार है कांग्रेस के अंदर राजोरा परिवार जी। राजोरा परिवार का झुकाव किसकी तरफ है आपकी बार? स्थानीय को टिकट दिया जाए और राजीव जी सवाल का जो कि NSU और यूथ कांग्रेस और काफ़ी समय से कांग्रेस के संगठन में काम करते हुए आ रहे हैं, उनका पार्टी में अच्छा वर्चस्व भी है, तो हमारा ये कहना है कि स्थानीय को टिकट दिया जाए जिसमें राजीव जी सवाल का फर्स्ट प्रथम उसमें रहे प्रायोरिटी में। आला कमान से यही कहते हैं कि यदि राजीव जी सवाल का टिकट दिया जाए तो वो जन जन के लिए उपस्थित रहेंगे जी। अब हमारे साथ मौजूद हैं बोरा गणेश जी मंदिर के प्रमुख पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो चैनल पर स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं लोकेश जोशी वार्ड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वार्ड 46 से। हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता दरी पार्टी द्वारा इस निगम वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाएं। हर वार्ड हर गली
बिल्कुल डामरीकरण और सीवरेज का और कंप्लीट सारा सीसी का सभी कार्य हो चुका है। विधायक कैसा होना चाहिए, वार्ड की राजनीति नहीं है ये। विधायक हम भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाहते हैं, सनातन प्रेमी विधायक। 20 सालों से तो भारतीय जनता पार्टी के ही बनते आए हैं। तो उदयपुर को बहुत विकास करवाया हमने, उदयपुर का बहुत विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, और सबका साथ सबका विकास के और सबका विश्वास। गणेश जी की कृपा किसके ऊपर रहेगी, नाम बताएं। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे जिसको भी उम्मीदवार को टिकट मिलेगा उस टिकट के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन तन मन धन से अपना कार्य करेगा और हम विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी को पुनः राजस्थान में सरकार बनाएंगे और सरकार बना के और केंद्र के हाथ मजबूत करेंगे। बनेगी पुनः तो कांग्रेस की बनेगी ना भैया। कांग्रेस की पुनः नहीं बनेगी, कांग्रेस की हटा के पिछली जो हमारी सरकार थी, कांग्रेस की इस बार की भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर हम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और केंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। कुछ और जन हमारे साथ हैं, आप बताएं कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए विधानसभा में। मैं नरेश सोधी बूथ अध्यक्ष राणा प्रताप मंडल कार्यकारिणी सदस्य। वार्ड में अच्छा काम हो रहा है, 5 करोड़ के काम हुए हैं, सीसी रोड डामरीकरण, लाइट की व्यवस्था, वार्डवासी सभी संतुष्ट है। और काफ़ी समय से सिटी बस की जो मांग चल रही थी, तो अभी मनोहर जी भाई साहब ने सिटी बस के लिए भी काफ़ी संघर्ष करा है, तो वो भी अभी चल रही है, तो सभी वार्डवासी खुश हैं, अच्छा काम हो रहा है। आपका विधायक कैसा होना चाहिए, मनोहर जी जैसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल होने चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब, पूरे वार्ड का काम करें, और हमारी आशा है कि उदयपुर के लिए भी करें अच्छा जी। गिरीश जी भारती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप स्वयं की पैरवी करेंगे या कोई दूसरा नाम सुझाएंगे। देखो सबसे पहले तो मैं स्थानीय की पैरवी करूंगा, जो गलतफहमी में थे 2-4 बार से आए थे जिन्होंने उदयपुर शहर के लिए दावेदारी की। सबसे पहले मेरा जो दावेदारी का मेन यह था कि उदयपुर में खोज नहीं गया अभी तक, अच्छे अच्छे नेता तैयार किए गए हैं, मेवाड़ ने अच्छा अच्छा नेतृत्व दिया है, तो ये जो बाहर से जो है सॉरी माफ करना कोई शब्द वो ऐसा आता है, तो मतलब ये बाहर से जो फिरंगी आ रहे हैं इन फिरंगियों की गलतफहमी वो निकाल देवे। उदयपुर में नेता अच्छी लीडरशिप है, अच्छे अच्छे नेता दिए हैं, और भविष्य में भी हम उदयपुर का स्थानीय MLA ही देंगे, ये उनके आंखें खोलने के लिए हमने दावेदारी की है जी। आपने तो नारा ही चुरा लिया गौरव वल्लभ जी का, उन्होंने लगाया आपनो उदयपुर आपनो गौरव, तो आपने लगा दिया आपनो उदयपुर आपनो गिरीश। मेवाड़ की हर जनता, उदयपुर का हर कांग्रेस ये बोलेगा उसका नाम, वो मेवाड़ का मूल निवासी इसलिए वो अपना नाम बोलेगा, मेवाड़ के साथ हमारा खून और पानी का रिश्ता है जी। चलिए विकास जी कच्छारा साहब हमारे साथ मौजूद है, सर आप बताएं कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में नए आप सदस्य बने और काफ़ी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं, कैसा विधायक होना चाहिए? देखिए लगभग 32 वर्ष मुझे छात्र राजनीति से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी में हो गए हैं, विभिन्न सालों तक मैं अध्यक्ष पदों पर भी रहा हूँ, और हमने उदयपुर में अलग अलग नेता देखे हैं, मोहनलाल जी सुबह से लेकर गिरजा व्यास, रघुड़ जी मीणा, गुलाब चंद कटारिया, सभी वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश स्तर के बड़े नेता रहे हैं। उदयपुर का जो विकास जो हुआ है वो जनता जानती है कि किसके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा हुआ है और किसके कार्यकाल में कम हुआ है। जहाँ तक सवाल है कि आने वाले समय में बहुत जनों ने दावेदारी हमारी पार्टी से भी रखी है, और हमारा सबसे पहला टारगेट यही है जो हम कार्यकर्ता लोग या पदाधिकारी लोग हैं कि उदयपुर के स्थानीय व्यक्ति को जो यहाँ का लोकल लीडर हो उसे टिकट दिया जाए, बाहर के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाए जी। ये हमारा सबसे पहला एक लक्ष्य रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी के आलाकमान तक इस बात को पहुँचाएँ, जो उदयपुर शहर के सर्वांगीण विकास की बात करेगा हम उसी को समर्थन करेंगे। मतलब जो सर्वांगीण विकास की बात करेगा वही यहाँ पर राज करेगा। बिल्कुल वही राज करेगा। 20 सालों का सूखा समाप्त होगा कि नहीं आप तो ये बताएं। 100% इस बार समाप्त होगा साहब जी। धर्मेंद्र जी राजोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर सबसे पहले तो बताएं कि शहर का विधायक कैसा होना चाहिए। शहर का विधायक वो होना चाहिए जो विकास की कुछ विजन रखता हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा इतनी कमजोर थी, हमको प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरत शहर दिया है जिसके अंदर तालाब झीले पहाड़ सभी दिए, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण हम उसको संभाल नहीं पाए। आज विश्व प्रसिद्ध उदयपुर है हमारा, लेकिन जब टूरिस्ट जब घुसता है तो घुसते उसको अतिक्रमण, पार्किंग वगैरह इन सब की उसको दिक्कत उसको महसूस होने लग जाती है। तो ऐसा पार्षद जो हमारा MLA होना चाहिए जो कम से कम इसका विजन ये हो कि उदयपुर शहर जो वाकई जो खूबसूरती है वो बना रहना चाहिए। हमारे कांग्रेस ने सभी को बहुत अच्छा दावेदार लगाए हैं, फिर भी जब हर बार बात उठती है कि भाई जैन समाज का केंद्र होना चाहिए तो उसमें अजय जी पोरवाल है, ब्राह्मण होता दिनेश जी शिमाली है, और जो भी अगर होंगे इनकी इच्छा शक्ति बहुत तकलीफ हो तो
ओबीसी हो तो जिसका पार्टी देगी संगठन सिपाही का काम करेंगे। सबके लिए खाते में सोच क्या है आप? हम तो संगठन कार्यकर्ता हैं, जिसको देंगे उसके साथ लड़ेंगे, लगेंगे हम। चलिए ठीक है, रोहित जी पालीवाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, राजस्थान सरकार द्वारा जो क्रीड़ा परिषद है उदयपुर शहर के। आप बताएं कि शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? शहर का विधायक स्थानीय होना चाहिए जो उदयपुर शहर की जनता का दुख दर्द समझ सके और स्थानीय हो, उसका समर्थन हम करेंगे। स्थानीय में किसको प्रीफर करते हैं, आपका नेता कौन? हमारा नेता गिरिजा व्यास, हमें गर्व के हमारे देश के नेता है जो हमारा नेता है गिरिजा व्यास। पर अब वे उम्र के उस पड़ाव में है कि सक्रिय राजनीति में अब ना हो वे, उम्र का तो सबकी उम्र। दूसरा विकल्प बताएं। दूसरा विकल्प हाईकमान जिसको टिकट देगा उसके साथ सिंबल के साथ है जी, पार्टी सिंबल के साथ है। आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? हाँ मैं ये कहता हूँ, जैसे मैं बीजेपी का मतलब कांग्रेस पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, तो आज जिस पार्टी का समर्थक हूँ उसमें दुख होता है कि स्मार्ट सिटी का नाम मतलब मिट्टी में मिला के रखा। किस पार्टी का समर्थक है आप? मैं बीजेपी का हूँ। तो यूं बोलिए ना, बीजेपी का हूँ और दुख होता है। आज जो मैं देख रहा हूँ, आज जैसे वो अजय जी बोरवाल जैन समाज में छाए हुए हैं, जिस एरिया के जो पार्षद है वो उस एरिया में छोटे से बड़े तक हर एक की बात सुनते हैं वो। मैंने अभी भी जहाँ पे सुना उनके एरिया का सर्वत पार्षद है वो। हाँ सर्वत पार्षद हाँ, जाके भी हैं मगर उनका नाम छाया हुआ है और जैन समाज में उनका वर्चस्व है, अध्यक्ष भी है। अगर आप मतलब ये पार्टी अगर उनको देती है तो 100% मेरा भी विश्वास है कि मतलब वो विजय होंगे, कि ये इससे कितने सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे जी। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि अजय जी बोरवाल अगर हो तो जैन समाज उनका पूरा तय दिल से स्वागत करेगी और जैन समाज पूरा उनके साथ है। और दूसरे भी कार्यकर्ता मैं सब तरफ जो सुन रहा हूँ उसमें अजय जी बोरवाल का नाम सबसे ऊपर। मतलब अजय जी ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको बीजेपी से कांग्रेस में लिया है? हाँ, मेरी भावना चेंज कर दी कि भाई ये स्मार्ट सिटी को सभी कांग्रेसी ताली से बजा दो। अगर ये आएंगे तो स्मार्ट सिटी को रियल में स्मार्ट सिटी किसको कहते हैं ये उजागर कर ये दिखा देंगे। अभी वो टोपी वोपी पहना है, चश्मा उसमें पहना देंगे सिटी को यूं नहीं तो स्मार्ट कैसे बनते हैं? स्मार्ट सिर्फ नाम से स्मार्ट नहीं होता है जी, रियल लगना चाहिए कि स्मार्ट सिटी इसको कहते हैं। चलिए ठीक है, इसलिए अगर आएंगे तो पक्का। बबलू जी हमारे साथ हैं, बबलू जी टाक साहब पहले तो बताएंगे विधायक शहरी होना चाहिए कि बाहरी? स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय की यहाँ कमी नहीं है, हर वर्ग हर जाति का स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेसी यहाँ है, नेता है। हम सबसे पहली मांग तो ये करते हैं आलाकमान से, आपके चैनल के माध्यम से आलाकमान से, कि जिसको टिकट दे स्थानीय को दे, स्थानीय से बाहर को टिकट नहीं दे। बाहर के लिए हर युवा आम जन यहाँ रोज से सब विरोध कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहली मेरी मांग है आप सबसे, आपके चैनल के मांग ये करता हूँ कि मैं स्थानीय को टिकट दें जी। सर आप बताएं कि विधायक कैसा होना चाहिए और 20 सालों का जो सूखा है उसे समाप्त कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? इस बार 100% जो मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं लगाई है जो चालू करी है और वो धरातल पे चालू भी हो गई है, तो इस बार 100% कांग्रेस आएगी और सरकार भी रिपीट होगी और उदयपुर में जो 20 साल का सूखा है वो भी भर जाएगा जी। और स्थानीय नेता को हमारे जो टिकट देना चाहिए। कौन है स्थानीय नेता? स्थानीय नेता दिनेश जी श्रीमाली है, अजय जी बोरवाल है, गिरीश जी भारती है, जो हमारे सब स्थानीय नेता है इनको टिकट देना चाहिए। और ये युवा भी है सब और काम करने की इनमें बहुत क्षमता है जी। अच्छा आप बताएं सर आपका विधायक कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद उदयपुर न्यूज को इस ऐतिहासिक प्रसारण के लिए, और बहुत अच्छा वायरल हो रहा है, सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और आपने हमेशा शहर के मुख्य मुद्दों पर काम करते रहे हो, गांव गांव तक पहुंच रहे हो, बहुत खुशी की बात है। वल्लभ नगर से लेकर सब तरह की रिपोर्ट हो, बहुत डायनामिक तरह से पत्रकारिता हो रही है जी। उसके लिए छोटे भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद। सेकेंड ये है कि कांग्रेस की आज की तारीख में स्थिति बहुत मजबूत है, अशोक जी गहलोत ने बहुत काम करें, लेकिन जो बीजेपी का प्लस पॉइंट है वो कैडर बेस्ड पार्टी और कार्यकर्ता की पार्टी है, और कांग्रेस का ये दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस का कितनी भी डायनेमिक लीडर कार्यकर्ता भी होगा लेकिन उसको तवज्जो नहीं मिली। और अब जो लोकल और बाहर की जो बात है वो मुद्दा जब होगा जब आपने 20 साल में लोकल कौन जीता लिए, आज की तारीख में नेता जीतेगा और आपकी जात में जीतेगा नेता जो कितना टच में है लोगों कार्यकर्ताओं के। नेता को ये समझना पड़ेगा कि ये जो पांच चौकड़ी पीछे बैठती है घूमती है वो नेता नहीं होता है जी। ठीक है, आज अगर नेताओं जो हमारे कांग्रेस के नेता रहे, मैं भी कांग्रेस में पिछले 30 साल से काम कर, मेरी पत्नी इसी वार्ड से चुनाव लड़ी है जी। ठीक है, मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, नेता आए ठीक है ना, जिनका धरातल पे बिल्कुल स्थान नहीं है वो सब नेता है ठीक है। जब तक जो भी केंद्र शक्ति केंद्र हैं, पंचवटी रही, सेक्टर 14 रघुजी मीणा का रहा, या जगदीश चौक में कोई है, या पंकज जी शर्मा है ठीक है ना, जितने भी शक्ति केंद्र है उन शक्ति केंद्रों को बताना पड़ेगा कि मैं जिन चौक को लेके घूम रहा हूँ साथ में, उनका सोशल मीडिया अकाउंट खोलो कितने दिनों का विरोध करते हैं,
वो चौराहे पे कितने लोग विरोध करते हैं जी, वो पार्टी का कितना विरोध करते हैं, ठीक है ना। वो आदमी देख चौराहे पे अगर एक आदमी बोलता है अरे यार कांग्रेस थाने पप्पू है, हाँ यार माने नेता पप्पू है, वो आदमी नेता बन रहे हैं जी। और जो सच में विरोध कर रहे हैं और सच में संगठन के प्रति जान हथेली में लेके विरोध करते हैं, अब मैं उदाहरण के लिए देता हूँ, सोशल मीडिया पे हमारे हितेजी शर्मा है, हम हैं, हम इतने उदयपुर 5000 लोग हैं, हम अगर कोई विरोध भी करते हैं तो ये इतनी भी इनकी हिम्मत नहीं है कि उस पर जाके ये कमेंट करके उसको लाइक भी कर दें। और जबकि पूरी सरकार जो 2014 के बाद बनी है और जो भी वातावरण देश में बनाया टोटल सोशल मीडिया पर, जीतेंगे जब विरोध ही नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे, 20 साल से बिना विरोध करे चल रही है पार्टी। तो ये पार्टी को इसमें बहुत डीप तक सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति टिकट मांग रहा है, टिकट मांगने वाला भी बजर, मेरे ये 100 कार्यकर्ता हैं, इन 100 कार्यकर्ता सड़क पे थे, मैंने इनमें से 50 कार्यकर्ताओं को आज नेता बना दिया, ठीक है, उन 50 के बाद 50 हैं, उन 50 के बाद 50 हैं, वो लाके खड़ा करें जीतने के लिए। तो कांग्रेस को ये हर व्यक्ति टिकट मांगे, अपना पूर्ण जोर दम लगाए, ठीक है, लेकिन लास्ट में कांग्रेस जिसको भी टिकट दे, जैसा कि बीजेपी में होता है, अपन देख रहे हैं आप भी इतने वरिष्ठ हो, मैं भी राजनीति में इतना वरिष्ठ हूँ, नहीं, मैं तो जवान हूँ, वरिष्ठ हो ना, जवान भी तो वरिष्ठ होता है भाई। अच्छा, मैं वरिष्ठ हूँ और बुजुर्ग में बहुत फर्क पड़ता रहा हूँ आपको, मैं भी तो डायरेक्ट 22 साल का थोड़ा पैदा हुआ कभी, हम भी तो ऐसा है कि अब कांग्रेस की स्थिति यह है, मैं बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी हूँ और बहुत समर्पित कांग्रेसी हूँ, मेरे बहुत लोग मेरे से नाराज होंगे, आज कांग्रेस की स्थिति है, आपने आपकी दुकान में कुछ नहीं कर पाए 20 साल तक, सूखा पड़ा रहा, ठीक है, जब पांगीलाल जोशी जैसा दिवंगत हार सकता है और त्रिलोकपुर भी जीत सकता है तो कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है जी, ठीक है। रही बात जातिवादी की, गुलाब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गुलाब जी भाई साहब की कोई किंतु परंतु नहीं है जातिवाद में, वो एक लाइन का व्यूप जारी करते हैं, मैं जेएनयू का नेता हूँ जी, ठीक है, तुम चाहो तो जीता देना, तुम चाहो तो हरा देना। तो कांग्रेस इनमें पीछे क्यों है ये बताया ना, आपको समस्या सब ध्यान है, उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं आप। समाधान ये है कि जब तक नेता, अब यहाँ के तो नेता देख लिया, ठीक है ना, इवन ये आदमी जो 30 साल का नेता है वो हमारे नेता पहचानने से इनकार कर देते हैं, ठीक है, तो नेता तो नया अच्छी है जी, और नया नेता निकला तो अच्छी है, हाँ नया नेता, तो चलिए चाहे वो राजीव आप कुछ जी, चाहे वो राजीव जी सवाल का निकले, चाहे हमारे पोरवाल साहब निकले, ठीक है, चाहे पंकज जी शर्मा निकले, या जितने भी लोग निकले, वो ये शान लेके नेता तो अभी से अपना दम दिखाना चल दे कि यार देखो मैं नेता बनूंगा, लोकल लोकल आपस में लड़ा रहे हैं, हाँ तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये जो लोकल लोकल लड़ा रहे हैं, ये जब बात, मेरी बात सुनो, हाँ सुनो, कांग्रेस आराम से यहाँ सीट निकाल सकती है, लेकिन हमारे कांग्रेसी 10,000 वोट से जो हारी ना कोई बड़ी बात नहीं थी, 10,000 वोट एक मामूली बात थी, लेकिन हमारे है कार्यकर्ता जो है ना, जो आपस में जिनको टिकट नहीं मिले अरे पर मुझे एक बार बताओ, जब आप खुद भाषा की मर्यादा नहीं रख रहे हैं, मर्यादा पार्टी को यार 20 साल से आ रहा है, क्या करें, हमारा तो गुस्सा इसी बात का आ रहा है यार कि हम एक सीट नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालोगे जब आपके अंदर इतना करंट भरा हुआ है, अरे करंट का खाका के आपके दिमाग के अंदर करंट भरा गया, करंट इसलिए भर गया है कि हमारे पहले तो हमारा एका करना पड़ेगा, जब हम एक ही नियत तो जी मंदिर के रहते हो तो जाके कोई बोलना बाकी हो तो, अरे बोलना की वैसा बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ आदमी आराम से यहाँ से टिकट लेके और आराम से जीत जावे, लेकिन हमारे कांग्रेसी हमारे आदमी भरा देते। अच्छा कौन होना चाहिए आपका विधायक, ऐसा एक नाम सुझाओ जो सबको एक साथ लेके चल सके। अरे देखो बाहर से लड़ने की जरूरत नहीं है, लोकल आदमी को टिकट दो, कौन है लोकल आदमी नाम बताओ। अरे लोकल जी है श्रीमाली जी है, हमारे अजय जी है, वो जने है ना यार कहे है। चलिए ठीक है, अब कुछ युवा चेहरे हमारे साथ हैं, धीरज जी चौधरी हमारे साथ हैं। धीरज जी सबसे पहले बताएं कि शहर का विधायक कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपसे आपको उदयपुर निकालने को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसे आम कार्यकर्ता का आपने इंटरव्यू लिया जी। हम दिनेश जी सिमाली को पसंद करते हैं जी, वो आप भी दिनेश जी? नहीं दिनेश जी नहीं है, जो अपने सेवा में खड़ा रहे उसके लिए करते हैं। कौन सेवा में खड़ा रहे आप? सेवा में जब सब जने खड़े हमारे लिए, हमारे लिए सेवा में होना चाहिए, वो उसका पी आके यू नहीं बोलना चाहिए कि अब साफ मीटिंग में दिल्ली है जयपुर है वो नहीं है, तुरंत काम होना चाहिए, वो आदमी चाहिए हमें। अच्छा मतलब ये नौकर है आपके? कौन नौकर नहीं है, तो वोट किस लिए ले रही है? नौकर नहीं ले रहा, आप तो ऐसे बात कर रहे हो कि मैं पीए को फोन करूं, वो मेरा काम करना चाहिए। पीए को फोन नहीं, वहां जाके खड़े रहने चाहिए, तब उस टाइम बोलने चाहिए, यू फोन यू नहीं बोला फोन करे जी, हां समझे आप। एक यशवंत जी चौधरी युवा नेता हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले तो ये बताएं कि यूथ कांग्रेस ने एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम अभी करा और तमाम मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से अवगत कराया आपने,
सरकार रिपीट हो रही है क्या? 1001% कांग्रेस की सरकार दावे से कह सकते हो? दावे से 1001% कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जो एक गरीब के घर तक पहुंच रही है, चिरंजीवी योजना, जो एक गरीब आदमी का 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा किया है, दुर्घटना का 10 लाख रुपए का बीमा किया है, ये बीमा आज की तारीख में उस गरीब की वो मदद कर रहा है कि आज की उसकी बड़ी बीमारी हो जाती है उसको एक रुपए भी कहीं लाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले गहने गिरवी रख के जमीन बेच के लाता था और इलाज कराता था। आज इस योजना के तहत गाँव में कांग्रेस की खतरनाक वाली लहर है और 1001% कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी राजस्थान। चले चले जावेद भाई हमारे साथ, जावेद भाई युवाओं की पहली पसंद, जावेद भाई हमारे साथ है। जावेद भाई सबसे पहले तो बताएं आपका उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार तो ये हमें तो अल्पसंख्यक को टिकट देना चाहिए यहाँ से जी, और 100% अल्पसंख्यक को टिकट मिलेगा जीत के आएगा। तो 20 साल से गुलाब जी यहाँ पे थे अल्पसंख्यक, आप समझते आपको मालूम ही है, ठीक है, अल्पसंख्यक को टिकट मिलेगा अल्पसंख्यक यहाँ से चुनाव जीतेगा जी। चलिए आप कह रहे हो बारी, तो बारी तो क्या हमारे यहाँ उदयपुर में सिस्टम है, PCC मेंबर है ना हमारे उदयपुर में, वो दोनों बारी के थोपे में, ठीक है, दोनों बारी PCC मेंबर है उदयपुर के जी। चलिए अब बूथ अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के, मंदिर के पुजारी है, मंदिर का पुजारी कुंदन जी, स्थानीय वार्डवासी भी हमारे साथ हैं। सर आप बताएं कि कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक स्थानीय होना चाहिए, हमारे मनोहर जी भाई साहब जैसा होना चाहिए। इस वार्ड में बहुत सारा काम करवाया, एक भी समस्या ऐसी बाकी नहीं थी कि अब बाकी है कुछ भी जी। ये बरसों पुराना नाला की समस्या थी वो भी करवा दी, मंडल का रोड का था वो भी करवा दिए उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ये सब बोल रहे हैं सब बाहर के हैं, इनको पता नहीं इस वार्ड में कितनी सारे है, तो उदयपुर शहर के ना पर हाँ वो वासी है जी। तो हमारे साथ अपन यहाँ वार्ड की समस्या जानने तो आए हुए थे, यहाँ तो शहर का विधायक कैसा हो इसकी बात कर रहे थे। विधायक अच्छा होना चाहिए, मनोज जी भाई साहब जैसा होना चाहिए। आप भी, आपका विधायक मनोज जी भाई साहब जी? बिल्कुल भाई साहब। आपका भी मनोज जी? आपका विधायक कैसा? बिल्कुल भाई साहब। भाई साहब कैसा? तो तमाम बीजेपी के लोगों में एक मंत्रणा तो है कि यहाँ पर मुद्दा मनोहर जी चौधरी का हावी है बीजेपी से, और OBC फ्रंट खुलता है तो उन्हें मौका जरूर दिया जाएगा। सर आप बताएं आपका भी उम्मीदवार मनोहर जी? मनोहर जी अब आप एक चीज बताएं कि अगर आप नहीं, मैं नहीं तो कौन, ये बताएं, दूसरा नाम आप सुझाएं। मैं तो ये चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिसका भी नाम तय करे, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनके सबके साथ है। पर मान लीजिए किसी कारणवश पार्टी आपको इस वर्ष मौका नहीं दे, अगली बार कभी दे, पर अगर आप नहीं तो कौन दूसरा उम्मीदवार? हम सब कार्यकर्ता कमल के फूल को लेके चलते हैं, जिसको पार्टी ने कमल का फूल दे दिया हम सब उसके साथ है, उसको जिताने। मैं चैलेंज देता हूँ इन सबको जो बोल रहे हैं, गहलोत इस सीट को जिता के बता दे, और ये जो उदयपुर ये 746 सीट है, अगर किसी दिन जीत गए उस दिन मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ये मजाल करते हैं, यहाँ करोड़ों रुपए काम हुए, एक पैसा यहाँ की समस्या के बारे में जानते नहीं है कि इस एरिया की समस्या क्या, बाहर से आके नारे लगाने से कुछ नहीं होता। कोरोना में जब भूखे मर रहे थे, कष्ट में थे, सकल नहीं थी, हजारों पैकेट लोगों ने हमारे कार्यकर्ता ने, और ये आज ये रहते खुद को पार्टी में खुद की जगह नहीं है, और वो यहाँ के नेता नहीं, माइंड जी गलत, आज इस क्षेत्र में सिटी बसें चली है, आज इससे आज यूनिवर्सिटी रोड, आज यहाँ पे 5 करोड़ के काम हुए हैं, आज जो विनायक नगर राष्ट्रीय कोलंदी थी वो पानी भरा रहता, आज मांडल 25-30 साल से रोड नहीं बनी, उस रोड को हमने बनाई, और आज ये हालत है कि ये यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, और इनसे है क्या ये बात ऑफिस की? मैं तो ये कहता हूँ अच्छा आदमी जीतना चाहिए, और उदयपुर की न्यूज की है, मगर ये लोग बाहर से आके इस कार्यक्रम को तो है ना? नहीं, आपका कार्यक्रम ये 5 वार्ड का था कि नहीं था, आप तो ये बताएं जी। उदयपुर न्यूज का 5 वार्ड का कार्यकर्ता, आपने कहा इस 5 वार्ड के कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे, आप कहते हैं शहर से बुलाने बीजेपी कार्यकर्ता, 500,000 कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होते हैं कांग्रेस के बाहर, क्योंकि इस इन वार्डो में अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का, आस पास के वार्ड में होता है लोग कहाँ बीजेपी है, कांग्रेस जीतती है यहाँ पे क्या कहा, और जहाँ देखो, और इसलिए मेरा एक अरे शर्म करो, आज दिन तक कांग्रेस जीती नहीं है इस वार्ड में, संगठन की खीर क्या निकली, अरे इस भी अरे एक बार जीत के बता दो इस वार्ड में, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ इस वार्ड में जीत के बता दो, चैलेंज मनोहर जी चौधरी का, माता की आप बताएं कैसा होना चाहिए विधायक, कैसा होना चाहिए विधायक, विधायक कैसा होना चाहिए?
आप बताएं सर, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक शहर का विकास करे, ऐसा होना चाहिए। जो आज तक उदयपुर में विकास हुआ वैसे विधायक चाहिए। मैं तो आज तक विकास होता आया, बिल्कुल उदयपुर का होता ही आया विकास तो जी, इसलिए विकास वाला विधायक चाहिए मैं तो जी। आपका हो गया इंटरव्यू, आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? मेरा नाम किशन व्यास है, मैं पिछले 30 साल से कांग्रेस में कार्यकर्ता हूँ। उदयपुर शहर का विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो स्वच्छ छवि हो और आगे कार्य कर सके। मैं विधायक के तौर पे श्री राजीव जी सवालका का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने छात्र राजनीति में मैंने सन 1990 में कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब से उनके साथ जुड़ा हूँ। 8 से 10 कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष उन्होंने लगातार जीता है। NSUI की हमेशा विजय रही है और पिछले साल में भी उन्होंने कई कार्य किए हैं, जिसमें NSUI से जिला अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे। और मेरा मानना यह है कि उनके जैसे स्वच्छ छवि बेदाग छवि का कोई भी विधायक नहीं बन सकता है। केवल राजीव जी सवालका का मैं समर्थन करता हूं, मेरे कांग्रेस भाइयों को। उसके अलावा भी संगठन जिसको भी टिकट देगा जी जी, उसको हम सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है, आप बताएंगे आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? स्थानीय होना चाहिए जी, जो संगठन के लिए काम करे और अच्छा काम करे। कांग्रेस से रिलेटेड का नाम वार्ड से 34 ठीक है। 25 वोट अभी बीजेपी के हैं उदयपुर के अंदर। वेनिस बन रही है, आपके विधायक गुलाब जी कटारिया साहब वेनिस बना रहे हैं। पिछली बार जब चौथे आए था उसमें पूरा धूल के चला गया उदय सागर, और अभी भी स्थिति यही पड़ी है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? जेबों में जा रहे हैं इनके। आज इनके जो ठेकेदार हैं वो देखो आप, आपके बाप और जी हैं किसी फाइल में साइन नहीं करते। पछता भी हुई है फाइलें निर्माण समिति की, जो उसमें प्रोग्राम जो कार्यक्रम क्या बोलते जो काम प्रस्ताव हुए उसमें साइन नहीं हो रहे, और बोलते हैं हमारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने काम कराया। तो आप लोग जीतते क्यों नहीं है? 32 साल से क्यों नहीं जीते? आप जीतते हैं सब, जीतते क्यों नहीं जीते हैं? हम कहाँ जीते हैं? ये खुद जीते ना, हम तो खुद जीते हुए भाई। जीती है हम तो पार्ट बना के निकाल के लाए हम लोग तो। अरे पर आपकी सत्ता तो काबिज नहीं हुई ना नगर निगम पे। कार्य हमारे कांग्रेस का काम ही हो रहा है, काम हम लोग ही करवा रहे हैं। आप आगे लगाओ हमारे वार्ड में काम कितना हुआ है, और हमारे दूसरे उनके वार्ड में कितना काम, पता करो आप। उधर पर रोड गलत खराब है, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले हमारे वार्ड काम हुआ, कितना काम हुआ बताओ आप। जब जब काम बताएंगे PWD जा रहा है, UAT करेंगे हम नहीं करेंगे। कहाँ जा रहा है पैसा? वो वेनिस का देखो, वेनिस का देखो, आप जाके एक नाली बनाती है 20 फीट की नाली बनाती है, पानी कहाँ जा रहा है? वो पानी को कोई रोक सका आज तक? वेनिस बना रहे हैं आपके गुलाब जी, पहले विधायक साहब। सदों की संख्या बड़ी भी है नगर निगम में इस बार, बीजेपी वाले बोल रहे हैं 25 साल 3 साल से हमारे विधायक है। अब बाप चला गया, बेटे 10 हो गए टिकट मांगने के लिए। हमारा तो हमारे जिसके भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा हम तो पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन इनमें इनको पूछो कि इनका पर्सनल उम्मीदवार कौन है। वो भी कह रहे हैं कि जिसको टिकट नहीं मिलेगा उनका पर्सनल कौन कह रहे हैं? 25 साल तक कभी नहीं बोला इन्होंने, कभी टिकट भी नहीं मांगा। उस टाइम तक था आप देख रहे हो क्या? ये तो बताओ मुझे, दबाव में काम करा आज तक किसने? काम क्या करा? हमारे मुख्यमंत्री जी कोई सी भी सभा में होंगे, कल या परसों 2 दिन पहले प्रतापगढ़ में उस महिला के साथ जो भी हुआ, मुख्यमंत्री जी सभा छोड़ के वहाँ प्रतापगढ़ गए। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? हाँ तो जाना जरूरी था ना। अरे तो बीजेपी वाले कहाँ गए? आप मणिपुर में गए, आपकी डबल इंजन की सरकार थी वहाँ, आपकी सरकार थी और आप गए क्या वहाँ? 4 महीने तक आपको टाइम नहीं, आपको लोकसभा सत्र बुलाने का टाइम है। अभी मणिपुर का भी क्या हाल क्या है? और वहाँ जाकर अशोक गहलोत जी ने उनकी ढांढस बंधाया, उनको सरकारी नौकरी दी और मुआवजा दिया, तुरंत पहुंचे वहाँ। क्योंकि पहलवान थे उनके साथ इतना अत्याचार हुआ। ब्रजभूषण शर्मा जो की सांसद है वो बिल्कुल मोदी जी का खास आदमी था, इस वजह उसको दबाया गया और उस मुद्दे को दबाया गया। क्या वो उदयपुर में कन्यालाल हत्याकांड हुआ, जो गहलोत सरकार ने जो घोषणा की है वो पूरी हुई है, और वो उनके लड़के लड़की जिनको भी वो सरकारी नौकरी मिली है, और केंद्र सरकार ने घर घर पे जाके बोलते हैं कि हम केंद्र सरकार बोलती है राजस्थान सरकार 5 साल में इस सरकार में जितने बलात्कार हुए हैं, ये छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हुए हैं, क्या मुआवजा दे के बलात्कार करते रहेगी सरकार? रहेगी सरकार? अरे इनके नेता वो बाबूलाल कटारा जो RPSC का मेंबर था,
टिप्पण कराते हुए पेपर वितरण कराए थे, उसमें जेल में पड़ा है इनके सरकार। अरे इसमें इनके हेड आज वो आरपीएससी का जो मेंबर बना है कांग्रेस का, आज इतने शायद इतने बलात्कार जो इस सरकार में इतने बलात्कार इसमें हुए शायद मैं सोच सकता हूँ कभी नहीं हुए। अरे ये दीपक जी गुलाबचंद कटारिया जी आप महामहिम बन गए, उनका नाम बहुत सम्मान से लेना चाहिए, वो संवैधानिक पोस्ट है। और सुनो आपके भी वार्ड में करोड़ों रुपए के काम हुए, अगर नहीं हुए नगर निगम से तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। क्या बात करते हो, यहाँ केवल लोगों के बोलने के लिए आपको खुला चैलेंज है, आपको नगर निगम के गैराज समिति अध्यक्ष ने खुला चैलेंज दिया आपको। मेरे खड़े खाब हुए थे, मैं जवाब दे रहा हूँ। पुलिया बने इस पार्टी ने, पुलिया बने यूएटी ने, इस पार्टी ने बने यूएटी ने बनाई है। सेकंड बात, अभी सेवाश्रम से कुमार पटेल रोड बना दी पीडब्ल्यूडी, इसमें नगर निगम को कोई काम नहीं है। ये पुलिया बनाई है यूएटी ने बनाई है, उसमें नगर निगम को काम नहीं है। सेवाश्रम से लेक सिटी मॉल वो यूएटी बना रही है, नगर निगम को काम नहीं है। छोटी मोटी गलियां बनाई है उसके लिए अच्छी बात है। आज इनकी जयन ऐसी मेरा फोन नहीं उठाते हैं, इनके ऐसी क्योंकि इनका 25 साल से बोर्ड है इनका। आज इनके महापौर थी, मेरी फाइलें निर्माण समिति की फाइलें निर्माण मीटिंग में काम सेक्शन हुआ था उस पर लिख दिया, प्रस्तावित हुआ था उस पर लिखा हुआ है कार्य प्रस्तावित है, उसमें साइन नहीं कर रहे हैं। काम यूएटी देख रही है भैया, निगम नहीं देख रही है। और मोरत तुमने करवाया आपके वार्ड में हुआ है सीवरेज का, मंत्री जी को बुला के गुलाब जी भाई साहब को महामहिम राज्यपाल बनाने के बाद पार्टी के बाथरूम के उद्घाटन मेरे वार्ड की बात कर रहे हैं तो मेरे वार्ड में ये बाबूलाल कटारे की बात करते हैं, इनके मॉडल के को पूछो वो साइन राज्यपाल होते हुए राज्य जगह की मीटिंग लेते हैं, लेटरिंग बाथरूम का उद्घाटन करते हैं, तो ये क्या संवैधानिक पदों की बात करते हैं। गुलाबचंद कटारिया के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धोख लगते हैं, वो ऐसे आप छोटे मोटे कार्यकर्ता कहने से कितनी होता है। इधर भी तो वसुंधरा जी मैम गहलोत जी के बोलती है भाई, हम तो आपके धोख तो आतंकवादियों के भी फोटो आते लगते हुए, धोख तो आतंकवादियों के भी फोटो आते कन्हैया के हथियारों के धोख लगते हुए। आज शिक्षक दिवस है तो अपने शिक्षक गुलाब जी के लिए क्या संदेश है? मैं तो कहूंगा इस मेवाड़ के लिए और राजस्थान के लिए इस राजनीति में आज गुलाबचंद कटारिया ऐसा नेता है जो ओपन मोहनलाल जी सुखाड़े की प्रशंसा करता है, मंच पे खड़ा रखे वोट की चिंता नहीं करता है। वो कहते हैं मोहन क्या, और वो कहते हैं मानसी वाकल की योजना सुखाड़े साहब की भी पढ़ाई कर रहे हो, ये सुनना नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हम प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की नहीं करते। अरे आज हमारे गुलाबचंद जी कटारे इसलिए बता रहा हूँ वो मानसी वाकल योजना के बोल रहे हैं, मानसी वाकल सुखाड़े साहब की देन है। आज हम दोनों के कह सकते हैं राजनीति में इतना ईमानदार करते हुए मेहनती गुलाबचंद कटारे जैसे इस मेवाड़ में पैदा नहीं हुआ है। और मैं शिक्षक दिवस में मेरे गुरु जी है, मैं उनके दोस्त लग के चयन उनको अभिवादन करते हैं। अभी दो तीन दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि जहाँ बीजेपी जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है उनकी महिला पार्षद भवन मौजूद और ये रिसोर्ट में इंटरव्यू ये बीजेपी के चार चरित्र चेहरा तो जनता दरबार कार्यक्रम आज हमने यहाँ आयोजित करा बोरा गणेश जी मंदिर चौराहे पर, और तमाम जन नेताओं की और जनता की प्रतिक्रिया आप तक पहुँचाई उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से। और इसी कड़ी में निष्कर्ष ये निकल के आया है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि स्थानीय उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए, बीजेपी के एक धड़े का मानना है कि मनोहर जी चौधरी को मौका मिलना चाहिए, ओबीसी फ्रंट खुलना चाहिए, कांग्रेस से भी स्थानीयों में कई नाम हमारे सामने आए, राजीव जी सुवाल का, दिनेश श्रीमाली और अजय जी पोरवाल के नाम निकल कर सामने आए स्थानीय के अंदर, और बाहरी का एक आध नेताओं ने समर्थन करा, बाकी सभी की एक ही इच्छा है कि स्थानीयों को मौका मिले। और इसी के साथ
किसी और कोने पर, किसी और चौराहे पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय मेवाड़, जय एकलिंग नाथ। एक बार सभी से निवेदन है कि भोला गणेश जी महाराज की जयकारा हो जाए, आपसी पार्टी का मतभेद भुलाकर भोला गणेश जी की। तो इसी के साथ इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर। एडमिशन ओपन